अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेवकूफ़ औरत की 7 निशानियां। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करना। एक बेवकूफ़ बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और उनके साथ खिल मिल कर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। अपने शोहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुशदिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ झगड़ कर घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। नंबर 2, शोहर को अहमियत ना देना। बेवकूफ़ बीवी की दूसरी निशानी ये है कि वो कभी अपने शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी अक्सर बीवियां अपने शोहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शोहर के बजाय उसकी आमदनी पर ज़्यादा तवज्जो रखती हैं। शोहर को बाहर सूरत बीवी एक मुनासिब और बेगर्ज तवज्जो दरकार होती है जिससे लापरवाह फासलों को जन्म देती है। नंबर 3, घर पे तवज्जो ना देना। जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना। ऐसी बीवी घरेलू मामलों से लापरवाही नज़र आती है, हत्ता कि घर के ज़रूरी काम काज और अहम मामलों भी जो एक औरत की तवज्जो के मुताजी होते हैं अधूरेपन का शिकार नज़र आते हैं। ऐसी खातून घर का सफाई सुथरा इशारी नज़र आता है। ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद की रवैयों में रज बस जाता है और मेयार ज़िंदगी को जवाल का शिकार बना देता है। नंबर 4, बच्चों पर तवज्जो ना देना। एक बेवकूफ़ और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ साथ बच्चों के मामलों में भी लापरवाह है। वो ना तो खुद ज़िंदगी के दुरुस्त तौर तरीकों को अहमियत देती है और ना ही बच्चों को उनका दर्स देती नज़र आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी ज़िंदगी की सही इकदार आगा नहीं हो पाते क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है। बच्चों के मामले में उस फर्ज इससे कोताही मियाँ बीवी के दरमियान शिकवे शिकायतों की दीवार कड़ी कर देती हैं। नंबर 5, वक्त की पाबंदी ना करना। बेवकूफ़ बीवी को वक्त की अहमियत का कतान अदराक नहीं होता। इसके बच्चे स्कूल और शोहर ऑफिस हमेशा लेट ही पहुँचते हैं। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह की कोई औकात मुकर्रर नहीं होती। इस खातून के घरेलू अंबार अफरा तफरी का शिकार रहते हैं। मुनासिब टाइम मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी अफराद खान के मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है और घर का पुरसकून माहौल बदनज़मी की नज़र हो जाता है। नंबर 6, शोहर से बदज़बानी। मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात मसलहत खामोशी अख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर नहायत अच्छे असरात मरतब करता है। मगर एक बेवकूफ़ औरत इन खसूसियत से नाआशना होती है। मामूली बातों पर बहस तकरार और फिर जब बदज़बानी पर उतर आती है। इसका रवैया शोहर के साथ इज्जत व एहतराम से आरी होता है। तकरार, बदज़बानी और बद तहजीबी का ये रवैया बिलाआखिर को घर और बीवी से बदल कर देता है। नंबर 7, शोहर की घर आमद को अहमियत ना देना। इस आर्टिकल को सुनने वाली तमाम ख्वातीन से मेरी गुजारिश है कि एक लम्हे के लिए ज़रा ये तसव्वुर कीजिए कि आप एक शोहर हैं जो अपने काम से थका हारा भूखा प्यासा वापस आया है और आपकी बीवी ने ना तो आपको आमद की को अहमियत दी, ना आपके हाथों में पानी का गिलास थमाया और ना खाने का पूछा, तो आप कैसा महसूस करेंगी? एक जाहिल बीवी शोहर की आमद पर